मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आज का हमारा ये टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 3 स्टेट में डिवाइडेड था उस टाइम का, तो अभी हम लोग उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इन द 18th सेंचुरी फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। फ्रांस जो है उस वक्त 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। तो पहला स्टेट हमने देखा था कि क्लर्जी का था, पहला स्टेट क्लर्जी का था। पीपल हु वर्क इन चर्च, जो चर्च में काम करते थे, जो चर्च में रहते थे, उनको क्लर्जी कहा जाता था। और सेकेंड स्टेट नोबिलिटी का था, जो कि किंग और उसके फैमिली थे। दूसरा स्टेट जो था वो नोबिलिटी था, जिसमें राजा और उसके फैमिली रहते थे। और थर्ड स्टेज में रिमाइनिंग पीपल, जो बचे हुए लोग आते थे, जैसे किसान, बिजनेसमैन, ये सारे जो हो गए वो थर्ड स्टेट में आते थे। तो हमने देखा कि फ्रांस जो है 3 भाग में बटा हुआ था, पहला दूसरा तीसरा, पहला में चर्च, दूसरे में राजा और उसकी फैमिली, और तीसरे में बाकी बचे हुए लोग, जिसमें ज़्यादातर किसान ही आते थे। और ये पहला फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो है वही रन गवर्नमेंट को रन कराते थे। गवर्नमेंट सरकार को पहला और दूसरा स्टेट ही चलाता था, और तीसरा स्टेट जो है उसका शोषण होता था। थर्ड स्टेज के कंधे, ऐसा कहा जाता है कि थर्ड स्टेज के कंधे पर बैठ के ये दोनों अपना शासन करते थे और इनका शोषण करते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट रन गवर्नमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर इन्हीं के पास थी, और थर्ड स्टेट के पास पावर नहीं थी, बल्कि जबकि तीसरा स्टेट ही सबसे ज़्यादा बड़ा था। पहला और दूसरा स्टेट में बहुत कम संख्या में लोग रहते थे। थर्ड स्टेट के पीपल जो थे वो चाहते थे इक्वलिटी इन वोटिंग एंड टैक्सेस, और थर्ड स्टेट के लोग जो है वो हमेशा चाहते थे कि उनके उनको इक्वलिटी मिले, और उनको जो है बराबर का हिस्सा मिले सभी चीज़ में, जैसे कि वोटिंग हो गया या टैक्स सिस्टम हो गया, इसमें सारा कुछ बराबर मिले उनको, फ्रीडम, इक्वल प्रॉपर्टी। और उनका ये नारा था कि उनको आज़ादी चाहिए और सब चीज़ में बराबरी चाहिए। तो इसी के चलते थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड के चलते ही फ्रांस की क्रांति आई थी, जो कि पूरे विश्व में फैल गई और पूरे विश्व के सामने एक अपना रखती है योगदान, जिसके चलते और भी कंट्री वाले भी देख के इनसे इंस्पायर हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। दस द रीजन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसी के चलते फ्रांस की क्रांति आई थी, और इसको देख देख के बाकी देशों में भी क्रांतियां हुई। फ्रीडम, इक्वलिटी और फर्टिनिटी यूरोप का नारा था, फ्रीडम, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। यूरोप में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे, यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे। 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स इन यूरोपियन सोसाइटी, 3 तरह के लोग यूरोपियन सोसाइटी में रहते थे। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स रहते थे, रेडिकल्स रहते थे और कंजर्वेटिव रहते थे। तो 3 तरह के लोग जो है वो यूरोप में पाए जाते थे। लिबरल्स जो था वो समाज में बदलाव चाहता था, लिबरल्स समाज में बदलाव चाहता था। हर धर्म के लोग, इसका मानना था कि हर धर्म के लोग मिलजुल के साथ रहे, या वोटिंग सिस्टम में भी अपना विश्वास रखता था कि वोटिंग भी होना चाहिए, वोट के आधार पे राजा चुना जाना चाहिए। लेकिन यह वोट के लिए सिर्फ पुरुषों को ही बोलता था, उनका कहना था कि वोट सिर्फ पुरुष ही दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकती, और वही पुरुष वोट दे सकता है जिनके पास प्रॉपर्टी हो। तो लिबरल्स का ये कहना था। उसके बाद रेडिकल्स, 3 तरह के लोग में रेडिकल्स भी थे। रेडिकल्स का मानना था कि यह समाधानों के पक्ष में था, और इसका मानना था कि वही राज करेगा जिसके पास मेजोरिटी ऑफ पावर होगी, जिसके पास सब कुछ सबसे ज्यादा होगा वही जो है शासन करेगा, रेडिकल्स का मानना था। कंजर्वेटिव जो है रूढ़िवादी थी, और इसका मानना था कि बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो, बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि एक बार में अचानक से बदलाव नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति आती है, कारखाने बनने लगते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है और पैसा कम, काम ज़्यादा होने लगता है और पैसा कम हो जाता है, जनसंख्या बढ़ती है और काम कम हो जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। वर्कर्स जो हैं, काम करने वाले मजदूर जो हैं वो लिबरल
लिबरल्स और रेडिकल्स को पसंद करने लगते हैं, ये लिबरल्स और रेडिकल्स को पसंद करने लगते हैं काम करने वाले वर्कर्स। यूरोप के बहुत सारे भागों में क्रांतियां देखने को मिलती हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, इन सभी जगहों पे क्रांति को देखने के लिए क्रांतियां देखने मिलती है। रिबलर्स एंड रेडिकल्स चाहते थे टू रिमूव मोनार्शी, और लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है वो राजतंत्र को खत्म करना चाहते, तो मोनार्शी को खत्म करना चाहते थे। और मिड 19th सेंचुरी के मिड में सोशलिज्म का विकास होता है, 19th सेंचुरी के मिड में सोशलिज्म आता है, समाजवाद जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। समाजवाद में ऐसा कहा गया था कि किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी और प्रॉपर्टी सभी को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी होती, जमीन होती है, तो वो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके विकास पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस कारण से यह लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। द आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल्स आर इक्वल, इसका आइडिया था कि सभी लोग बराबर हैं, एंड द प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, और सोसाइटी में सभी प्रॉपर्टी को बराबर बांट दिया जाए। सोशलिस्ट हु फॉलोड अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म की पार्ट को फॉलो करता था उसको सोशलिस्ट कहते थे, जैसे रॉबर्ट ऑन, लुइस ब्लेंक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ये सारे सोशलिस्ट नेता थे जिन्होंने अपनी विचारधारा को रखा और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। 18th सेंचुरी में इंडिया सोशलिज्म, आइडिया ऑफ सोशलिज्म यूरोप में पूरी तरह से सोशलिज्म का आइडिया, आइडिया ऑफ सोशलिज्म पूरे यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया फैल चुका था, और वहाँ के सारे लोग समाजवादी की तरफ, सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, और पार्टियाँ बनने लगी थी, नई नई पार्टियाँ बनने लगी थी, जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन रही थी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन रही थी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन रही थी, और खुद रसिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, और रसिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनती है। 1940 द रशियन एम्पायर, 1940 द रशियन एम्पायर, जार निकोलस द्वितीय, 1914 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रूस में क्या क्या हुआ था उस समय। तो रूस में, रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय, 1914 ईस्वी में रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय, और डिफरेंट रिलीजियंस इन रशियन एम्पायर, और रसिया में 1914 में बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे कॉमन मेजोरिटी देखी जा रही थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहाँ पे एक कॉमन मेजोरिटी, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी रहने वाली एक रिलीजन्स थी रसिया। और रसिया में एग्रीकल्चर 85% पीपल, रसिया में सबसे ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंड थे, लगभग 85%, 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। देयर वॉज वेरी लिटिल इंडस्ट्री इनसाइड रशियन एम्पायर, और रशियन एम्पायर में बहुत कम ही इंडस्ट्री का विकास हुआ था, बहुत कम जगह पे इंडस्ट्रियाँ लगी थी, फैक्ट्रियाँ लगी थी। इंडस्ट्री एरियाज वेर इन टू प्लेस, मात्र दो जगह में रसिया में इंडस्ट्री लगे थे, एक पिट्सबर्ग और एक था मॉस्को। तो मॉस्को और पिट्सबर्ग में ही अभी तक 1914 तक इंडस्ट्रियल विकास हुआ था, ग्रोथ हुआ था। 1890s रेलवे कंपनियां बनने लगी, रेलवे का विकास होता है, कंपनियां बनने लगती हैं, फैक्ट्रियां बनने लगती हैं, और धीरे धीरे लोगों को रूस में भी काम मिलता है। 1914 में 31% महिलाएं, 31% महिलाएं जो हैं वो फैक्ट्रियों में काम कर रही थी, लेकिन उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जा रहा था। जहां पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता वहीं महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, कम पैसा दिया जाता था। रशियन सोसाइटी इन रूरल एरिया, अब चलिए गाँव में देखते हैं कि रशियन सोसाइटी गाँव में कैसी थी। किसानों के पास जमीन कम था, और जो भी जमीन थी वो नोबिलिटी के पास दे दिया जाता था, जो भी किसान था वो दूसरे के पास, जो भी जमीन था वो दूसरे के पास था, किसानों के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। 1940 रसिया पॉलिटिकल पार्टी इलीगल, और 1914 ईस्वी में रसिया में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलीगल थी, अवैध थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती थी। डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और 1898 में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई थी, इलीगल थी फिर भी रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई थी। 2000 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी। 1903 में रसियन, और 1903 में रसियन
सोशल डेमोक्रेटिक ये वाली पार्टी जो पहले से बनी हुई थी लीगल होते हुए भी, तो वो पार्टी दो भागों में बट जाती है 1903 में, बोल्सेविक और मेंशेविक। बोल्सेविक और मेंशेविक दो भागों में पार्टियां बट जाती हैं। और कौन कौन भागे बटती है? बोल्सेविक और मेंशेविक। बोल्सेविक का प्रधान था व्लादिमीर पुतिन और मेंशेविक का जूलियस मार्टिनर। तो पार्टियां दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। 1898 में जो रशिया में पार्टी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो 1903 ईस्वी में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। बोल्सेविक मेंशेविक। बोल्सेविक का नेता था व्लादिमीर पुतिन और मेंशेविक का था जूलियस मार्टिनर। तो अब देखेंगे जार निकोलस द्वितीय के पास ही सारी पावर थी। जार निकोलस द्वितीय जो था वहां का सम्राट, रूस का जार जो था शासक, उसके पास ही सारी शक्तियां थी। देयर वाज नो पार्लियामेंट इनसाइड रशिया, और रशिया में कोई पार्लियामेंट नहीं थी। देयर वाज ए वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड जापान, और उसी समय रशिया और जापान के बीच युद्ध हो रहा था बहुत दिनों से। जापान और म्यूनिक के लिए वहां पे युद्ध हो रहा था रशिया और जापान में। रशिया हैड लॉस्ट मेनी टाइम्स इन वॉर, और रसिया जो है बहुत बार जापान से हार चुका था, बहुत बार हार चुका था वार में। राजा हार मानने और फिर भी राजा हार मानने के लिए तैयार नहीं था, वो बार बार युद्ध कर रहा था। तो यहाँ पे राजा मानने के लिए तैयार नहीं था और वो युद्ध कर रहा था, करता जा रहा था। और इससे क्या होता है, कोई भी कंट्री अगर लंबे समय तक युद्ध करेगी तो उसमें क्या होता है, उसको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो वही हुआ रसिया के साथ। प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग इन रसिया ड्यू टू वॉर। वॉर के चलते सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे रसिया में, और 22 जून इसी को लेकर के दाम बढ़ रहे थे। वर्कर्स को भी निकाला जा रहा था क्योंकि ये सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा था और काम ज़्यादा था, तो वर्कर्स को भी फैक्ट्री से निकाला जा रहा था। तो इसी बात को लेकर के 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 में फादर गैम्पॉन जो थे वो मजदूरों को लेकर के विंटर पैलेस, जार के महल विंटर पैलेस की तरफ जाते हैं आंदोलन करते हुए। तो उसमें गोलियां बरसा दी जाती हैं जिसमें 100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 वर्कर्स घायल हो जाते हैं। और इसको, ये घटना संडे को हुई थी इसलिए इसको ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार का नाम दिया गया है। और इस घटना को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, खूनी रविवार, ब्लडी संडे के नाम से हम लोग उसको इतिहास में, हिस्ट्री में जानते हैं। तो खूनी रविवार में कई सारे लोग मारे जाते हैं और इसको ब्लडी संडे कहते हैं। और कई सारे लोग यूनियन बनाने लगे, और इसके बाद क्या होता है, कई सारे लोग यूनियन बनाने लगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करने लगे। इसके बाद यह घटना बढ़ जाती है और कई सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करने लगते हैं। इलेक्टिव पार्लियामेंट डूमा बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जार जो है इस घटना से प्रेशर में आ जाता है। जार निकोलस द्वितीय इस घटना से प्रेशर में आ जाता है और लोगों की मांग को स्वीकार करके डूमा बनाने के लिए राजी हो जाता है, इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाने के लिए राजी हो जाता है, जिसका नाम डूमा पड़ता है। फर्स्ट डूमा वाज डिसमिस इन 75 डे, और यह डूमा जो है 75 दिनों के बाद ही डिसमिस कर दी जाती है। और फिर सेकंड डूमा भी बनती है और फिर डिसमिस हो जाती है, और थर्ड डूमा जो है वो चलती है। थर्ड डूमा कंटिन्यू, तीसरी डूमा का फिर स्थापना होता है, तीसरी डूमा चलती है, अपना काम कर रही होती है। केप सच पीपुल इन डूमा हु वेयर सपोर्ट ऑफ द किंग लाइक कंजर्वेटिव, और इस डूमा में उन्हीं लोगों को रखा जाता था जो कि जार का सपोर्ट करते थे और कंजर्वेटिव पार्टीज के थे, उन्हीं लोगों को इस डूमा में रखा जाता था, बाकी लोगों को नहीं रखा जाता था थर्ड डूमा के अंतर्गत। 1940 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जब इतनी सारी घटनाएं रूस में चल रही थी रशिया में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है जिसमें जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रेलिया एक साथ थे और फ्रांस, ब्रिटेन, एशिया एक साथ थे। तो 1914 में पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोगार्ड रख दिया जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोगार्ड रख दिया जाता है क्योंकि पेट्रोगार्ड जो है, सेंट पीटर्सबर्ग जो है जर्मन नाम था, इसलिए इसका नाम बदल करके पेट्रोगार्ड रख दिया जाता है।
जार सपोर्टेड डिक्लिन फॉर थ्री रीजंस, और जार जो है सपोर्ट कर रहा था, जार को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तीन कारण से जार को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक तो डूमा का इसने ऐसा संगठन कर दिया था कि इसके लोग ही इसमें रह सकते थे इसलिए, और एक राजपुतीन मॉन्क था जिसकी बातें ये मानता था इसलिए, क्योंकि इसकी बात को ही जार जो है सबसे ज्यादा मानता था, और एक जर्मन था, और जर्मन रानी उसकी रानी जो थी जार निकोलस द्वितीय की रानी जो थी एलेक्जेंड्रिया वो जर्मनी की थी, इससे भी लोग उससे जार से खुश नहीं थे। अब देखते हैं 1914 से 1916 में क्या हुआ। 1940 से 1960 रशियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड वार में हार जाती है, रशियन आर्मी हार जाती है 1917 में, पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। और वर्ल्ड वार में हारने के बाद क्या होता है, वहाँ भूखमरी आ जाती है, 7 मिलियन लोग मारे जाते हैं, 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड डाइड मर जाते हैं, और पूरी तरह से रशिया बर्बाद हो जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और आंदोलन शुरू होने लगता है। 1970 में पेट्रोगार्ड में सर्दी पड़ रही थी, पेट्रोगार्ड में सर्दी पड़ी थी जिसके चलते फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लोग काम के लिए भटकने लगते हैं जिसके लिए आंदोलन शुरू हो जाता है। 24 से 25 वर्कर्स आंदोलन करने लगते हैं। जार ने 25 फरवरी को डूमा बंद, जार जो है वो 25 फरवरी को डूमा बंद कर देता है, पूरा माहौल ही खराब हो गया था, लोग मारे जा रहे थे, प्रथम युद्ध में हार हो गई थी और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, और जिसके चलते क्या हो रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, जिसके चलते जार निकोलस भी क्या करता है, डूमा को ही बंद कर देता है और फायर का ऑर्डर देता है। अब वो बार बार युद्ध कर रहा था, बार बार फायर, बार बार गोलीबारी, बार बार ये सब कर रहा था जिसके चलते भूखमरी थी, और सोल्डर्स भी उसके इस व्यवहार से दुखी थे। और इसके बाद क्या होता है, सोल्डर्स भी उसकी इस बात को नहीं मानते हैं, सोल्डर्स और वर्कर्स मिल जाते हैं, पेट्रोगार्ड सोवियत बनाते हैं, सोल्डर्स और वर्कर्स मिल के पेट्रोगार्ड सोवियत बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 2 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय अपना त्याग पत्र दे देता है और सत्ता चली जाती है, सोल्डर्स और वर्कर्स की जो पार्टी है पेट्रोगार्ड सोवियत उसके पास चली जाती है। पेट्रोगार्ड सोवियत प्लस डूमा जो है मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाते हैं, पेट्रोगार्ड सोवियत और डूमा, पेट्रोगार्ड सोवियत में कौन कौन थे, वर्कर्स थे और सोल्डर्स थे, ये दोनों मिलके अपनी पार्टी बनाते हैं और डूमा के साथ मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाते हैं और कंट्री में रन कराते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेनिन जो है उस समय का बोल्शेविक दल का नेता था, उसने 3 डिमांड्स रखी थी सरकार के सामने, वार का खत्म हो, वार इन हो, जमीन किसान को वापस दे दिया जाए, और जो जमीन किसानों से ले ली गई उसको वापस दिया जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेनिन ने 3 मांगे रखी थी और इस 3 मांगों को ही अप्रैल थीसिस का नाम दिया, लेनिन के द्वारा 3 मांगे रखी गई थी उसको अप्रैल थीसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्कर्स मूवमेंट फैलने लगी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो निर्णय खराब ले रही थी, पूरे निर्णय ले रही थी, जिसके चलते वर्कर्स मूवमेंट फैलने लगा था, बोल्शेविक पार्टी लोकप्रिय होने लगी, और बोल्शेविक पार्टी अपने विचारों से लोकप्रिय होने लगी, लेनिन के विचारों से लोग प्रभावित होने लगे, सभी लोग तैयार हो गए विद्रोह करते। 24 अक्टूबर को सभी लोग इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से तंग आकर के लेनिन की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, बोल्शेविक पार्टी भी जीत जाती है, और बोल्शेविक जो है वो जीत जाती है, विद्रोह होता है, और 3 मांग जो थी उसकी लेनिन की अप्रैल से ये तीनों पूरी हो जाती हैं नेशनल, और फिर बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। फिर नवंबर 1917 में कंडक्ट इलेक्शन, लेनिन जो है खुश था कि हमारी पार्टी की जीत हुई है तो वो इलेक्शन करवाता है, लेकिन इलेक्शन में लेनिन की पार्टी हार जाती है, पार्टी लॉस्ट हो जाती है, पार्टी की हार हो जाती है, तो लेनिन जो है इसको इलेक्शन को ही ख़त्म कर देता है और खुद से अपनी सरकार को बना देता है, अपनी गवर्नमेंट को बना देता है। लेनिन जर्मनी से हाथ मिला लेता है मार्च 1918 में, लेनिन जर्मनी से हाथ मिला लेता है, और वन पार्टी एशिया जो है, वन पार्टी रसिया जो है वो वन पार्टी वाली कंट्री बन जाती है, रसिया जो है एक वन पार्टी वाली कंट्री बन जाती है। यहाँ पे लेनिन जर्मनी से हाथ मिला लेता है, इसे लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं और कंट्री में इसके वजह से सिविल वार शुरू हो जाता है, लेनिन के जर्मनी से हाथ मिलाने की वजह से कंट्री में सिविल वार शुरू हो जाता है, सिविल वार शुरू होता है रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में, 3 खेमे में ग्रुप बट जाता है, रेड, वाइट्स और ग्रीन। रेड जो है वो बोल्शेविक होते हैं, बोल्शेविक के समर्थक, ग्रीन्स जो होते हैं वो सोशलिस्ट
और पीजेंट सोशलिस्ट होते हैं, इसमें किसान सारे आते हैं, और वाइट जो होते हैं वो जार के सपोर्टर्स होते हैं, वाइट जार के सपोर्टर्स। और सिविल वार स्टार्ट होता है कंट्री में, वाइट और ग्रीन को, वाइट और ग्रीन जो कि जार के सपोर्टर्स थे और किसान जो सारे आते थे उसको बाहर की कंट्री के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, और लेकिन फिर भी बाहर के सपोर्ट करने के बाद भी रेड्स विन हो जाता है, बोल्शेविक की विजय होती, विन हो जाता है। और उसके बाद लेनिन इन सारे चीज़ों से जो है सीख लेकर के 5 ईयर्स प्लान बनाता है कि देश को कैसे, देश में कैसे ग्रोथ लाया जाए, इसके लिए 5 ईयर्स प्लान बनाता है। जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट द फार्मर्स रशियन एम्पायर, और फिर से जो है रशियन एम्पायर पे बोल्शेविक का शासन चलता है, और 5 ईयर्स प्लान बनाता है लेनिन। और लेनिन के 5 ईयर प्लान्स का रशिया के इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा था, फैक्ट्रियाँ बन रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था और देश का विकास हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेनिन की डेथ हो जाती है, लेनिन मर जाता है और काम यहीं पे रुक जाता है। स्टालिन शासक बनता है, लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन शासक बनता है। 1927 से 1928 में ग्रेन्स की कमी होने लगती है, जब स्टालिन शासक बना था तो ग्रेन्स की कमी, अनाज की कमी होने लगी थी, ग्रेन्स का प्राइस फिक्स्ड हो गया, अनाज की कमी होने के चलते क्या हुआ, ग्रेन्स का प्राइस फिक्स्ड हो गया और अनाज की मारामारी होने लगी और इमरजेंसी लगा दी गई, और इस व्यवस्था के कारण देश में इमरजेंसी लग गई, किसानों को ग्रेन्स देना जरूरी बना दिया गया, ऐसा कि किसान को ग्रेन्स देना ही है, उनके पास नहीं है फिर भी उनको देना ही देना है, जहाँ कहीं भी ग्रेन्स मिलता था उसको ले लिया, जहाँ कहीं भी ग्रेन्स मिलता था उसको जब्त कर लिया जाता था। रिच फार्मर कुलक पे रेड कर दिया, जो भी रिच फार्मर थे जिनके पास ग्रेन्स था उन पे रेड कर दिया गया, जिनको कुलक कहा जाता था। ग्रेन्स कल्टीवेशन प्रोग्राम, और स्टालिन ने ग्रेन्स कल्टीवेशन प्रोग्राम चलाया कि सभी जगह से ग्रेन्स को इकट्ठा करना है, किसानों जमीन को इकट्ठा करते और खेती करवाते, और उसके साथ साथ क्या करते, जमीन को इकट्ठा करते थे और उन पर खेती करवाते थे किसानों से। किसानों ने बात नहीं मानी तो उनको जेल भेज दिया, किसानों ने बात माननी से इनकार कर दिया, ना वो ग्रेन्स देंगे ना वो दूसरे की जमीन पर खेती करेंगे, तो उनको जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक, इससे आक्रोशित होकर और दूसरे किसान जो है अपने लाइव स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, बर्बाद करने लगे। फ्रॉम 1930 to 1933 4 मिलियन पीपल वर डाइड, और इससे क्या हुआ, भूखमरी आ जाती है, भूखमरी 1930 से 1933 तक भूखमरी देखने को मिलता है देश में, और इसके चलते बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, 4 मिलियन के करीब। स्टालिन के लोग खिलाफ होने लगे, स्टालिन के लोग जो है वो खिलाफ होने लगे उसके इस सारे कार्यों से, स्टालिन से लोग दुखी होने लगे और उनकी बुराई करने लगे, उनके खिलाफ होने लगे, और उसी तरह से पूरा रसिया जो है, हमारे रसिया का शासन देखने को मिलता है, और पूरी एशिया पूरी तरह से सोशलिस्ट पार्टी नहीं बन पाया, लेकिन बहुत सारे देश जो है इस रेवोल्यूशन से, इस क्रांति से जो है प्रभावित हुए, और भारत में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी सारे नेता थे जो कि सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हो रहे थे, और फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से प्रेरित हो रहे थे, हमारे देश और देश के बाहर वाले लोग भी इन सारी क्रांतियों से प्रेरित हो रहे थे, और इन क्रांतियों ने बहुत सारा व्यापक प्रभाव डाला, बहुत सारे देशों ने इनसे प्रेरित होकर के क्रांति का सूत्रपात किया और इनको देख करके अपने देश का विकास किया। तो यह था हमारा यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलेंगे हम लोग फिर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हिटलर और नाजीवाद। तो थर्ड चैप्टर हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी में हिटलर और नाजीवाद है, तो हमारा 2 चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके पहले भी एक चैप्टर है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ये हमारा दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9th का, और तीसरा भी अपलोडेड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, उम्मीद हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।